दोस्तों, हमारी जो जनरल साइंस है वो स्पिरिचुअल साइंस के साथ रेजोनेट करती है। इवन मैं तो ये कहूंगा कि ये जो स्पिरिचुअल साइंस है, इट इज साइंस बियॉन्ड साइंस। जहां पर लॉजिक्स खत्म हो जाते हैं वहां पर ये काम करना शुरू करती है। अब मैं आपको उस टाइमिंग के बारे में बताऊंगा जब ये सुसाइडल टेंडेंसी का थॉट या डिप्रेशन या मूड स्विंग्स या इमोशनल इनस्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी लाइफ में। इसका एक्टिवेशन पीरियड मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा कि जो सेलिनिटी, जो खारापन समुद्र के पानी में रहता है, सी वाटर में रहता है, वही हमारे बॉडी फ्लूइड में रहता है। हमारे ब्रेन फ्लूइड में भी वही सेलिनिटी रहती है। अगर आप लोगों ने कभी गलती से अपने टीयर्स को टेस्ट किया होगा तो आप पाएंगे कि उसमें खारापन है। साइंस ऐसा मानती है कि मून का ग्रेविटेशनल पुल सी वाटर को पुल करता है, और वो 6 टाइमिंग है जब समुद्र में ज्वार भाटा, लो टाइड या हाई टाइड आता है। कौन कौन से हैं? सनराइज यानी सूर्य उदय, सनसेट सूर्य जब अस्त होता है, अमावस्या, पूर्णिमा, न्यू मून एंड फुल मून, और सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, एक्लिप्स सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये 6 समय ऐसे हैं जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है, मून का ग्रेविटेशनल पुल सी वाटर को डिस्टर्ब करता है। और दोस्तों, आप नोट कर लीजिए कि ये ही वो 6 टाइमिंग है जब मून का ग्रेविटेशनल पुल हमारे ब्रेन फ्लूइड को भी डिस्टर्ब करता है और वहां भी हलचल होती है। और जो ये पॉइंट्स मैंने आपको नोट डाउन करवाए हैं, मूड स्विंग्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, डिप्रेशन, एडिक्शन एंड सुसाइडल टेंडेंसी का थॉट, इन्हीं 6 टाइमिंग में आपको देखने को मिलेगा। हमारे पूर्वज इतने समझदार थे कि उन लोगों को इस साइंस का पता था, इसीलिए हर घर में सवेरे शाम पूजा होती थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम पूजा से इस पीरियड को निकाल लें, अपने मन को जैसे तैसे करके पॉजिटिविटी की तरफ अगर पुश कर दें तो पूरा दिन अच्छा जाएगा हमारा। इसीलिए बहुत सारे घरों में आज भी पूर्णिमा को और अमावस्या को पूजा रखी जाती है, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को भी पूरा दिन घर में पूजा रखे जाने का प्रावधान है। गेटिंग माई पॉइंट? अब मैं बात करूंगा इसकी रेमेडी की। ये तो आपने आइडेंटिफाई किया, इसको पिन पॉइंट करना मैं आपको महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जब सिखाऊंगा तो वहां से भी हम देखेंगे कि कैसे हम इस पीरियड को पिन पॉइंट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ज्योतिष के पास, एस्ट्रोलॉजी के पास या न्यूमरोलॉजी के पास रेमेडी के नाम पे अपना खुद का कुछ नहीं है। या तो रेमेडी के नाम पे वो तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, या वास्तु का सहारा लेंगे, या लाल किताब का लेंगे, किसी न किसी अदर साइंस से वो असिस्टेंस मांगते हैं। मेरा खुद का अनुभव ये रहता है, ये कहता है कि हमारे जो मंत्राज रहते हैं वो बहुत ही पावरफुल रेमेडी हैं। अगर उनको पूरे विधि विधान और शिद्दत से किया जाए तो संस्कृत हमारी देववाणी है, वो सीधे भगवान के चरणों में जाके टकराती है और उस देव को बाउंड होना पड़ता है आपको आशीर्वाद देने के। 2-8 का जो कॉम्बिनेशन है, इसको किल करने के लिए हमारे ग्रिड में जो नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए वो 1 और 9। ये दोनों नंबर्स अगर ग्रिड में प्रेजेंट हैं तो भी, और प्रेजेंट नहीं है तब भी, अगर आप सूर्य देव की उपासना करेंगे, भगवान मंगल की उपासना करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस कॉम्बिनेशन का, इस योग का जो इल इफेक्ट है वो आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। आपको क्या करना होगा, भगवान सूर्य का जो मंत्र है ओम सूर्याय नमः, या उनका जो वैदिक मंत्र है ओम आ कृष्ण ये न रजसा व्रत मानो निवेश यन्नमृतम मृतंच हिरण्य ये न सविता रथे न देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। ये जो वैदिक मंत्र है, अगर आप इसका रोज सवेरे 108 जाप करते हैं, एक माला पूरी करते हैं, तो आपकी लाइफ से ये नेगेटिविटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी तरह से ओम भौमाय नमः जो भगवान मंगल का मंत्र है,
उसका जब आप जाप करेंगे या उसके वैदिक मंत्र का जाप करेंगे, हरि ओम मा अग्निर मूर्धा दिवः ककुत्पति ही पृथिव्य आयम अपा गुम रेता गुमसी जिन्वती ओम भूमाय नमः, ये जब आप जाप करेंगे या जो इसका बीज मंत्र है ओम भूमाय नमः ओम सूर्याय नमः, वो भी जब आप जाप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और ये समस्या हमेशा के लिए लाइफ से खत्म हो जाएगी।